हेलो दोस्तों, चैनल की एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले, और साथ ही साथ एक बेल बटन करेगा उसको भी प्रेस कर देना बिल्कुल ही मत भूलना, फ्री फायर का हर एक अपडेट सबसे डिटेल्स ज़्यादा पाने के लिए। और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट का डिटेल्स आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ यहाँ पर हर एक अपडेट के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपके साथ वही जो घिसा पीटा दिन भर में आपके पास हर एक अपडेट आती है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला नहीं हूँ कि ये चीज़ है ये है। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ ज़्यादा जानकारी शेयर करने की कोशिश करूँगा, हो सकता है जो जानकारी आपके पास नहीं हो। तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, दिन भर में 10 वीडियो अपडेट के ऊपर देखने से अच्छा है कि रात को आके 12 बजे एक वीडियो देख लेना, जहाँ पे आपको दिन भर में हर एक अपडेट सबसे ज़्यादा जानकारी के साथ मिल जाता है, तो आपका इंटरनेट भी बच जाएगा। तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं यहाँ पे क्या कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बात करेंगे न्यू गन के बारे में, न्यू वेपन। तो बेसिकली ये गन का नाम क्या है, तो ये गन का नाम है CG-15। ठीक है, अब ये एक छोटा सा चीज़, एक्चुअली में ये कोई गन नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो गन है ये बेसिकली ये जो वेपन है इसको गरीना ने खुद डिज़ाइन किया है। ये किसी भी तरह की कोई भी आर्मी यूज़ नहीं करती, या फिर ये गन का एक्चुअल में कोई वैलिड नहीं है। ठीक है, ये गन गरीना ने डिज़ाइन किया है खुद की सोच से, इसका नाम दिया है CG-15। तो ये जो गन का कॉन्सेप्ट है, आप इस तरफ से आप अभी तक जान चुके हो कि गन का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई भी रियलिस्टिक नहीं होने वाला है, ये पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीना ने खुद डिज़ाइन किया है तो इसका जो एबिलिटी होगा वो ये गरीना ने डिसाइड किया होगा। तो यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे इतना सा। अब यहाँ बात कर लेते हैं गन आपको डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गन आपको कहाँ मिलेगा। तो मैप पर रैंडमली हर एक जगह पर ये गन अवेलेबल होता है, जैसा कि बाकी गन होता है। तो ये जो है ये आपको जो है ड्रॉप बॉक्स पर आप जिसको मंगाते हो सामान या ड्रॉप, उसको या ड्रॉप पे आपको नहीं मिलेगा, ये नॉर्मली आपको मैप पे हर जगह पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो गन है ये किस पे चलती है, कौन सी एमओ इस गन पे चलती है। तो ये जो है ये सब मशीन गन है, मतलब जिसको हम SMG गन बोलते हैं, जैसे कि MP40 हो गया, VSS हो गया, UMP हो गया, MP5 हो गया, इसी तरह की ये भी गन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो जानकारी आपके पास शायद होगी, अब इस जानकारी के बाद बाकी और भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो गन है ये कैसे काम करती है, तो इस गन का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे दिखाया था, अब यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ पे आप वीडियो चलते चलते देख लो। ठीक है, ये जो गन है ये गन को चार्ज करना पड़ता है, मतलब चार्ज कैसे करना पड़ता है, आप ये सोच रहे होंगे कि गन अब चार्ज कैसे होता है भाई। तो अभी तक तो कहीं पर भी ये जो चीज़ है ये चार्ज वाली बात तो ये तो एकदम नहीं है। तो चार्ज करना पड़ता है, इसका मतलब है ये जो गन है ये एनिमी को जब आप एम करते हो ये गन एम नहीं करता है, ये गन लॉक करता है, मतलब एनिमी को देखने के बाद ये जो गन है ये लॉक कर लेता है एनिमी को। अब यहाँ पे जो है आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि ऊपर जाता है, मतलब ये चार्ज ज़्यादा होता है। जब आप एनिमी को लॉक करोगे तो एक एरो आपको दिखेगा जो ऊपर जाएगा, जैसे कि आप जानते हो जब आप बैटरी चार्ज करते हो आपके फ़ोन में, आपको कुछ फ़ोन पे है डिज़ाइन, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि एक दिखाता है कि ऊपर की ओर जा रहा है एक एरो, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके का है कि जो यह चार्ज होता है और जितना चार्ज ज़्यादा होता है उतना डैमेज ज़्यादा देता है, जितना कम चार्ज होगा उतना कम डैमेज देगा। तो आप एक चीज़ समझ में आ ही होगा, तो ये जो गन है इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई बंदा अगर इसको कम चार्ज में चला देता है तो उसके जो डैमेज है वो कम होगा, जो बंदा ज़्यादा चार्ज करके चलाएगा उसको डैमेज ज़्यादा होगा। और एक चीज़ लॉक होता है, लॉक होता है इसका मतलब क्या होता है, लॉक होता है इसका मतलब होता है अगर एनिमी हिल जाता है तो यहाँ पे गन का जो एम है ये हटने की कोशिश, मतलब चांसेस है क्योंकि ये लॉक होता है। आप लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे, और ये जो गन का वीडियो था मैंने आपको दिखा दिया, इसके अंदर तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल ही रही होगी कि वो गन कैसे चलती है और कैसे एम होता है और कैसे ये जो गन है ये काम करती है। तो आशा करता हूँ आपके रिगार्डिंग जितने भी गन के ऊपर आपके पास जो न्यूज़ था उससे कुछ ज़्यादा जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर पाया हूँ। तो मैं आपको ऐसे ही बोलूँगा कि ऐसे ही फ्री फायर की हर एक डिटेल्स आपको ज़्यादा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो ये था गन के ऊपर बात, और ये जो गन है ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा गन का डिटेल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं और एक नई आइटम के ऊपर जो है इन्फो बॉक्स। अब इन्फो बॉक्स इसका फुल फॉर्म जो है इन्फॉर्मेशन बॉक्स है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन बॉक्स है इसका मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। और ये बॉक्स आपको कैसे मिलेगा, ये बॉक्स भी आपको रैंडमली मैप पर देखने को मिलेगा, मतलब कुछ कुछ जगह पे होगा ये बॉक्स। ठीक है, और ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ये जो इन्फो बॉक्स है ये आपको कैसे मदद करेगा, तो इन्फो बॉक्स आपको जो है दो चीज़ें बताएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, दो चीज़ें बताएगा। एक तो बताएगा इस जो जोन अभी चल रहा है, मान लो आप फर्स्ट जोन पे हो, मतलब जोन पहला जो जोन है वो आया है, अब इन्फो बॉक्स आपको मिल गया तो आप इन्फो बॉक्स से जान सकते हो दूसरा जोन जो सेकेंड जोन है वो कहाँ पर आएगा।
और एक चीज़ ये बताएगा कि जो नेक्स्ट सामान जो ड्रॉप होता है, सॉरी जो एयर ड्रॉप होता है जो प्लेन से गिरा जाता है, वो एयर ड्रॉप कहाँ पर गिरेगा। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन आपके साथ इन्फो बॉक्स शेयर करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि और भी कुछ शेयर करेगा, और भी कुछ नहीं है, ये दोनों छोटी मोटी चीज़ें ये शेयर करेगा, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी हद तक बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर किसी बंदे को पता चल जाता है कि नेक्स्ट जोन कहाँ पर आएगा, तो जो बंदे रैंक पुशर है, जो लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं, वो जोन पर पहले से जाके बैठ जाएंगे। ये एक चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, जो बंदे ब्लड के खेलना पसंद करते हैं, उनको पता चल जाएगा कि बंदे कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, और भी एक जानकारी आपको मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये चीज़। तो इन्फो बॉक्स के ऊपर इतना ही डिटेल्स है, इन्फो बॉक्स ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके साथ इन्फो बॉक्स शेयर करेगा, नेक्स्ट जोन और नेक्स्ट जो ड्रॉप होता है वो कहाँ पर गिरेगा। तो ये था इन्फो बॉक्स के ऊपर पूरा डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्फो बॉक्स को छोड़ के भी, और ये चीज़ को छोड़ के भी और एक चीज़ है जो कि आपको जानकारी लेना ज़रूरी है, और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी है, जो कि है फॉलो का ऑप्शन। फॉलो का ऑप्शन बेसिकली पबजी में है और फ्री फायर में नहीं था। तो ये चीज़ आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा। मतलब जो आपके टीम में जो लीडर होता है, मतलब मान लो आपके टीम में चार बंदे खेल रहे स्क्वाड में, उसमें से एक बंदे लीडर होता है जिसके बात ज़्यादातर लोग सुनते हैं, तो उस बंदे को आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई हम कहाँ पे उतरे, तो तू एक जगह पे मार्क कर दे, हम लोग तुझको फॉलो कर लेते हैं। तो आप जो बंदा मार्क जिसको फॉलो कर रहे हो आप, वो बंदा जहाँ पे उतरेगा आपको ऑटोमेटिक प्लेन वहीं पे गिरा देगा, जैसे कि पबजी में होता है। तो फॉलो करने का एक रीज़न यही है कि आप यहाँ पे आराम से चार बंदे एक साथ एक ही जगह पे उतर सकते हो। तो ये भी चीज़ बहुत ही अच्छी है और बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन फ्री फायर इसको बाद में ला रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज़ आ ही गया गेम पे। तो ये चीज़ बहुत ही सही है, और ये था जो नई चीज़ें आ रही है इसके ऊपर वीडियो, तो सॉरी जो इन्फॉर्मेशन। तो इतना सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्री फायर का हर एक अपडेट का हर एक डिटेल्स आपके पास एक ही वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा जानकारी आपके पास हो। तो रात के 12 बजे आके एक वीडियो टाइम निकल के देख लो, आपके पास ज़्यादा जानकारी आ ही जाएगा। तो कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ज़्यादा जानकारी दे पाया हूँ। और एक छोटा सा चीज़, कल वाली वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों ने एक चीज़ के ऊपर कॉमेंट किया था कि भाई तू क्लासिक का गेम प्ले क्यों डाला है। तो मैं आपको बता दूँ, कल वाला वीडियो पे मैंने गेम प्ले डाला था वो क्लासिक का गेम प्ले नहीं था। मैं कभी भी क्लासिक का गेम प्ले वीडियो के अंदर नहीं डालता हूँ, मैं हमेशा रैंक का ही गेम प्ले डालता हूँ, वो भी रैंक का ही था। एक्चुअली मैं ऑटो मैच ऑन करके खेल रहा था, देखने के लिए कि ऑटो मैच ऑन करने से लॉबी पे रैंक पे कैसे बंदे आते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ लो लेवल प्लेयर्स आए थे। तो मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर इसके बारे में वीडियो भी बनाया जाए, तो अभी तो यार बना नहीं पाया हूँ। तो ये था कि मैं वहाँ पे क्लासिक का गेम प्ले नहीं डाला था, मैं ऑटो मैच ऑन करके रैंक खेल रहा था अननोन बंदे के साथ। तो इसी ये था, मैं कभी भी क्लासिक का गेम प्ले नहीं डालता हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो है गेम प्ले देखना पसंद करते हो, और कुछ बेहतर गेम प्ले देखना पसंद करते हो। तो इसीलिए मैं गेम प्ले थोड़ा अच्छा डालने की या फिर रैंक का गेम प्ले डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। फ्री फायर के हर एक अपडेट से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होगा, सबसे ज़्यादा जानकारी पाने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ आपसे एक फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। शुरुआत इतनी धमाकेदार, कर ले हाथ हमसे आगे चार, जीत है अपने खून में, देख के हमें दुर्भाग्य हार, अलग है कुछ तो स्क्वाड में, जब बंदे आते हम साथ में, फिकर ना करते ट्रिगर से भरते जिगरा बहुत है हार्ट में, करते हम फ्लाई रहते हैं हाई, रहेगा दूर तो तेरी है भलाई, करेगा लूट तो तेरी दुलाई।